नमस्कार, मैं हूं प्रखर, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर यानी कि आज का दिन बेहद खास होता है। बता दें कि यही वो दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। दरअसल ये संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है, जहाँ संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमारे हक दिलाते हैं। पहली बार सन 1949 26 नवंबर को संविधान सभा ने हमारे संविधान को विधिवत तरीके से अपनाया था। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी सन 1950 को किया गया था। आजाद भारत के पन्नों में 26 नवंबर बेहद ही खास दिन है। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1948 को संविधान को अपनाया गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1949 को किया गया। वही संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार की ओर से संविधान दिवस पूरे भारत में मनाया गया, और इसके बाद से 26 नवंबर 2015 से हर साल पूरे भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वहीं भारत का संविधान बनाने में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अहम भूमिका रही है, जिसके चलते 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। छब्बीस नवंबर को पहले कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था। इसकी वजह ये थी कि साल 1930 में कांग्रेस लाहौर सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा को पास किया गया था। इसी घटना की याद में कानून दिवस मनाया जाता था, जिसके बाद सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं संविधान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और संवैधानिक मूल्यों के बारे में बताने और प्रचार करने का फैसला लिया गया था। वहीं पूरे भारत में आज संविधान दिवस को लेकर अलग अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संविधान दिवस को लेकर किए गए ट्वीट में भी इसका असर देखने को मिला है, जहां उन्होंने अपने ट्वीट में संविधान दिवस पर इसके निर्माता और जिनके बदौलत हमारे संविधान का निर्माण हुआ है उन्हें याद करने के लिए कार्यक्रम किए जाने की बात कही है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की ओर से दिए गए भाषण का एक हिस्सा भी शेयर किया है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।